आखिर किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना खराब था जिसके कारण भारत एकदम कमजोर दिखी, एकदम बेकार। वेलकम टू क्रिकेट इन शो में आपको से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रथम टेस्ट मुकाबला खेला गया जिसमें सबको उम्मीद थी भारत के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं वो मोर्चा संभालेंगे, जिनको उम्मीद थी कि भारत के जो बल्लेबाज हैं वो कुछ ऐसा करिश्मा दिखाएंगे जिससे भारत का सर ऊपर हो जाएगा, जिससे लोगों को ये लगने लगेगा कि भारत टेस्ट में भी वापसी कर रहा है, भारत के बल्लेबाजों का जोर दिख रहा है। एक समय था राहुल द्रविड़ का, एक समय था पुजारा का, एक समय था रहाणे का, जब ये खिलाड़ी टिकते थे, जब ये खिलाड़ी खड़े होते थे तो सामने वाले जो गेंदबाज परेशान हो जाते थे कि आखिर इन बल्लेबाजों को गेंदबाजी कैसे कराएं। परंतु समय ये आया, न्यूजीलैंड की प्रथम गेंदबाजी थी, हैंडी ने जिस तरीके की गेंदबाजी कराई, हैंडी 5 विकेट चटकाते हैं भारत के दिग्गज बल्लेबाजों के खिलाफ उन्हीं के तरह। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान, केएल राहुल, आरएस, ये वो बल्लेबाज हैं जो कि प्रथम पारी में 0 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देंगे। सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत मारे, मात्र 13 रन की पारी। परंतु कोई भी खिलाड़ी एक लंबी पारी, एक लंबी साझेदारी बटोरने में सफल नहीं हो पाया। भारत की बल्लेबाजी ऐसी थी कि 46 रन पे भारत आ रहा हो। अब बल्लेबाजी थी न्यूजीलैंड, बल्लेबाजी थी उन कीर्तियों की जिनसे पूरा विश्व नजर आता है, बल्लेबाजी थी उन बल्लेबाजों की जिनके पास हुनर भरा हुआ है। हुआ भी नहीं, 91 रन की पारी खेले और रचिंद्र ने अपना सत्य पारी खेलकर ऐलान कर दिए कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो मजबूत है। 400 गोल स्कोर होने पर लग गया। फिर जब बल्लेबाजी आई भारत में, सबको उम्मीद था कि भारत के बल्लेबाज फील्डर बनाएंगे, सबको उम्मीद था कि जो हाल प्रथम पारी में हुआ था फिर से वही हाल भारत के बल्लेबाजों का होने वाला है। परंतु ओपनर रोहित शर्मा का बल्ला चला और कप्तानी पारी खेले 68 पारी, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी 68 की पारी खेले, 70 रन अपने बल्ले को बटोरे और भारत के मजबूत टीम में पहुंचाने का दावा। लेकिन परंतु विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट गिरा, रोहित शर्मा का जब विकेट गिरा तो वो तो सच में ऐसा लग रहा था कि भारत बैटमैन और भारत के साथ वो खिलाड़ी मार रहा था, टिका हुआ था, छक्के चौके की बरसात कर रहा था, पर जिस तरीके से सब गिरा। जो कि भारत का भविष्य है, भारत का कल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज सरफराज खान के बारे में। सरफराज खान के पिताजी कहे थे कि वो खिलाड़ी है जो चमकेगा और भारत का नाम रोशन करेगा, ये खिलाड़ी है जिसके बल्लेबाजी से पूरा हिंद महकने वाला है, झंडा जो है वो ऊपर जाने वाला है और भारत का क्रिकेट एक चिड़िया नहीं एक बाज की तरह पुनः चमकने वाला है। और हुआ भी वैसा, सरफराज खान 150 रन की बल्लेबाजी की, 150 रन की पारी की। उनके साथ ऋषभ पंत, वही पंत जो कि चोटिल थे, वही पंत जिससे लग रहा था कि ये खिलाड़ी तो बैट नहीं करेगा, परंतु वो 99 रन की पारी खेले और भारत 462 स्कोर पर रन लगा। अब भारत के गेंदबाजों को करिश्मा करना होगा, बुमराह को वापसी करनी होगी, सिराज को गेंदबाजी दिखा। अगर भारत के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करने में सफल हुए तो भारत ये मुकाबला जीतेगा, परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो न्यूजीलैंड के पक्ष में प्रथम टेस्ट मुकाबला जाएगा। सारी खबर आपको मिलेगी, देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना, दबाना, जाए।